हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिल्मी टॉक की और एक नए एपिसोड में, जहाँ पे आप सबको मिलता है साउथ इंडियन से लेकर साउथ की हिंदी फिल्म और बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड की हिंदी फिल्म से जुड़ी सारी अपडेट इसी वीडियो में। तो आप बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहेगा, क्योंकि आज भी काफ़ी सारी अपडेट आई है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला अपडेट है आर्या सर की 30वीं फिल्म के बारे में। इसका टाइटल और लुक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, जिसका टाइटल दिया गया है सरपट्टा परंपराए। और इसके लुक पोस्टर से ही साफ साफ पता चलता है कि इसका जो स्टोरी होने वाला है वो बॉक्सिंग के ऊपर आधारित होने वाला है। और आर्या सर का जो लुक और स्टाइल है वो उनकी बाकी सारी फिल्मों से बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है पी ए रंजीत सर, जिसने इससे पहले रजनीकांत सर के साथ कव्वाली और काला जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म किया है। और दोस्तों, इस फिल्म में आर्या सर के साथ को स्टार है दुशहरा। और दोस्तों, यहाँ पे अगला अपडेट है प्रभास सर की अपकमिंग और एक फिल्म के बारे में, जिसका टाइटल और लुक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, जो कि आपके सामने ही है। इसका टाइटल दिया गया है सलार, जो कि एक्शन से भरपूर गैंगस्टर फिल्म होने वाला है। और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाला है प्रशांत नील सर, जो कि KJ फिल्म का डायरेक्टर है। तो ये भी एक प्रभास सर की बहुत बड़ी फिल्म होने वाला है। वैसे इसके बारे में हमने और भी खुलासा किया है और भी डिटेल में बातें की है। इसके अलावा प्रभास सर की और भी 4-5 फिल्म है लाइनअप पे, उसके बारे में भी हमने बातें की है अलग से वीडियो में। आप जाके उसको देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। ऊपर दिए गए आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे अगला अपडेट आदित्य रॉय कपूर और संजना संगीत स्टारर फिल्म ओम द बैटल विद इन का पहला लुक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। और लुक पोस्टर से पता चल रहा है कि ये फिल्म एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाला है। आदित्य रॉय कपूर का लुक और बॉडी फिटनेस वही मलंग जैसा ही लगता है, तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस फिल्म में मलंग से भी ज्यादा एक्शन होने वाला है। तो देखते हैं कि संजना संगी का कैरेक्टर कैसा निकलते हैं। तो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है कपिल वर्मा सर, और इस दिसंबर महीने से इस फिल्म का शूटिंग स्टार्ट कर दिया गया है और अगले साल इस मूवी को रिलीज करवा दिया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे अगला अपडेट है एक तेलुगु फिल्म, जिसका टाइटल दिया गया है थिम्मरसु। तो इस फिल्म का लुक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, जो कि आपके सामने है, जिसमें फीचर पर है सत्यदेव और को स्टार है प्रियंका जावलकर। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं शरण कोप्पी शेट्टी सर, और इस फिल्म के टीजर को रिलीज करने जा रहा है 9 दिसंबर को। और दोस्तों, यहाँ पे अगला अपडेट पे है कार्थी सर और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म सुल्तान का पहला टीजर रिलीज किया जाएगा 25 दिसंबर को। जी हाँ, 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन इस फिल्म का टीजर को रिलीज कर दिया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे अगला अपडेट है तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जयललिता जी की डेथ एनिवर्सरी पर आज कंगना रनावत की एक लुक रिलीज किया गया है, जो कि थलावी फिल्म का लुक पोस्टर है। और इस लुक को आज इसीलिए रिलीज किया गया है क्योंकि कंगना रनावत जयललिता जी की बायोग्राफिकल फिल्म, जिसका टाइटल है थलावी, इस पर उनकी किरदार को निभा रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे अगला अपडेट है 2007 की फिल्म अपने, जिसकी मेन फीचर पर थे धर्मेंद्र सर, सनी देओल और बॉबी देओल। तो इस फिल्म को देखा तो होगा ही, तो उसका सेकेंड सीक्वल यानी अपने 2 का शूटिंग स्टार्ट किया जाएगा 2021 में मार्च महीने से। और 2021 में इसको दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाएगा, तो शूटिंग स्टार्ट किया जाएगा मार्च महीने से। और आपकी बार भी इस फिल्म के कास्ट पर रहेंगे धर्मेंद्र सर, सनी देओल, बॉबी देओल, और साथ ही साथ देओल फैमिली की और एक मेंबर इस फिल्म में शामिल होने वाला है, और वो है करण देओल, जिसकी फिल्म पल पल दिल के पास शायद आप सबने देखा ही होगा, जो कि पिछले ही साल रिलीज हुआ था। और दोस्तों, यहाँ पे अगला अपडेट है धावनी भानुशाली की एक गाना वास्ते, जो कि 1 बिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा है यूट्यूब पर, उसको तो आपने शायद देखा ही होगा। तो उस एल्बम की और एक गाना रिलीज होने वाला है 8 दिसंबर को। जी हाँ, 8 दिसंबर को, जिसका टाइटल दिया गया है नयन। और वास्ते सॉन्ग जैसा ये भी एक कॉलेज रोमांस से भरपूर गाना होने वाला है, जिसमें मेरा फेवरेट सिंगर भी आवाज देने वाला है। जी हाँ, जुबिन नौटियाल का आवाज भी सुनने को मिलेगा इस गाने पर। तो तैयार रहिए 8 दिसंबर को रिलीज करने वाला है टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर नयन गाना। और दूसरे पे अगला अपडेट है अक्षय कुमार सर की अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म होने वाला है। इसमें को स्टार है कृति सानून, और साथ ही साथ अब सपोर्टिंग कास्ट पर और भी कास्ट लिया गया है, जैसे कि जैकलिन फर्नांडेस को ज्वाइन किया गया है, और साथ ही साथ अरशद वारसी भी। तो इस फिल्म का रेगुलर शूटिंग स्टार्ट किया जाएगा 6 जनवरी से, और इसको डायरेक्ट करने वाले फरहाद समजी सर, और प्रोड्यूस किया है साजिद नदियादवाला सर। और दूसरे पे अगला अपडेट है प्रशांत वर्मा सर का अपकमिंग फिल्म जॉम्बी रेड्डी, इसका एक वाइट टीजर रिलीज किया गया है। और ये छोटा सा वाइट से ऐसा लगता है कि इस फिल्म का जो स्टोरी होने वाला है वो COVID-19 और कोविड वैक्सीन के ऊपर ही आधारित होने वाला है। इस फिल्म की मेन फीचर पर है तेजा सज्जा, आनंदी और कक्षा नगरकर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, आप जाके इस टीजर की बाइट को देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे अगला अपडेट है महेश बाबू सर की अपकमिंग फिल्म सरकारू भारीपाता फिल्म को लेकर, जो 2 स्टेटमेंट दिया था परशुराम सर ने इससे पहले कि सूर्या सर और विजय सर को कास्ट करने वाला है स्पेशल फ्रेंड्स के रूप में। तो अब फिर से परशुराम सर ने और एक अनाउंसमेंट किया है कि इस फिल्म के लिए वो पवन कल्याण सर को इनवाइट करने वाला है स्पेशल फ्रेंड्स के कैरेक्टर के लिए। तो दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ हॉलीवुड फिल्म के बारे में भी।
तो प्रियंका चोपड़ा स्टारर अपकमिंग फिल्म वी कैन बी हीरोज, इसका फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया है जो कि आपके सामने ही है। एक हॉलीवुड फिल्म होने वाला है। और दूसरे पे अगला अपडेट है मुलान फिल्म को लेकर। तो मुलान फिल्म अब हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। आपके पास अगर डिज्नी प्लस VIP की सब्सक्रिप्शन है तो आप जाके इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट है वंडर वुमन 1984 को लेकर। तो इसका रिलीज डेट कंफर्म हो चुका है, जिसको रिलीज करने वाला है क्रिसमस के पहले दिन यानी 24 दिसंबर को। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु इन चारों ही लैंग्वेज में इंडिया में रिलीज किया जाएगा 24 दिसंबर को। और दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट है एवेंजर की और दो सुपर हीरो की अलग अलग फिल्म यानी वांडा विजन के बारे में। तो वांडा विजन का रिलीज डेट फाइनलाइज हो चुका है, जिसको 15 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, 15 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा। और आपको बता दूं कि ये कोई फिल्म नहीं है, इसका सीरीज रिलीज किया जाएगा जिसमें काफी सारे एपिसोड होने वाला है। वैसे फिलहाल तो इसके हिंदी वर्जन को लेकर अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है। शायद फिलहाल अब 15 जनवरी को सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज करेगा, बाद में जाके शायद हिंदी में रिलीज कर सकता है। और दूसरे यहाँ पे अगला अपडेट है आदि पुरुष फिल्म को लेकर, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर एक बहुत ही बड़ी बवाल खड़ा हो चुका है। सैफ अली खान सर जो इस फिल्म में रावण का कैरेक्टर निभाने वाला है, तो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान एक स्टेटमेंट दिया है रावण और सीता की रोल को लेकर, जिसके बाद लोग बहुत ही ज्यादा भटक गए है, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट दिया है वो शायद सनातन धर्म के खिलाफ है। इसीलिए लोग बहुत ही ज्यादा भटक गए है और ट्विटर पर एक ही हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, वेक अप ओम राउत सर, रिमूव सैफ अली खान फ्रॉम आदि पुरुष। तो अब सभी लोग चाह रहे हैं कि आदि पुरुष फिल्म से सैफ अली खान को रिमूव करने के लिए। और उसी के चलते तकरीबन 5:30 बजे ओम राउत सर ने ट्वीट किया है कि उनको नजर आया है कि ट्विटर पर बहुत ही जोरों शोरों से ट्रेंड चल रहा है कि सैफ अली खान को रिमूव करने के लिए, और वो भी अब रियलाइज कर रहा है कि शायद इस फिल्म पर रावण की कैरेक्टर के लिए सैफ अली खान बिल्कुल ठीक नहीं होगा, और रावण की कैरेक्टर के लिए वो और एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाला है बहुत ही जल्दी। तो देखते हैं कि अब सच में कि आदि पुरुष फिल्म से सैफ अली खान को निकाल दिया जाता है, और अगर निकाला जाता है तो किसको रावण के रोल के लिए इन्वाइट करता है। और दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ हिंदी फिल्म के बारे में। तो 2-3 महीने पहले रिलीज हुआ PHB गरुड़ फिल्म, इसको अब गोल्डमैन टेलीफिल्म के यूट्यूब चैनल पर आज रिलीज कर दिया है, आप जाके इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेचुरल स्टार नानी और लावण्या त्रिपाठी स्टारर फिल्म भाले वाले मगाड़ी बॉय, जिसको माई नेम इज लक्की नाम से रिलीज करने वाला था 13 दिसंबर को ढिंचक TV चैनल पर, जो आपके सामने देखिए पोस्टर भी है। तो 13 दिसंबर को प्रोमो आया था, लेकिन अब गोल्डमैन टेलीफिल्म पर टाइम दिखा रहा है 12 दिसंबर को, मतलब 12 दिसंबर को शाम को 7:30 बजे ढिंचक TV चैनल पर प्रीमियर करवाएगा। मतलब रिलीज डेट को प्रीपोन करके एक दिन आगे लेके आया, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगा कि 13 तारीख से पहले 12 तारीख को ही अब देखने को मौका मिल जाएगा। अभी सिर्फ ढिंचक पर ही रिलीज करेगा, उसके बाद 2-3 महीने बाद जाके गोल्डमैन टेलीफिल्म की यूट्यूब चैनल पर रिलीज करवाएगा। सो दोस्तों बस फिल्मी टॉक की आज के इस एपिसोड में बस यही अपडेट थी। उम्मीद है कि सारे अपडेट आपको पसंद आई है। अगर अपडेट पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।